2026 का टारगेट रखा गया है। ये बोला गया है कि 2026 में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सेस चला दी जाएंगी, लॉन्च कर दी जाएंगी पूरे के पूरे भारत के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि 2026 तक वो एयर टैक्सेस लॉन्च करेंगे। टोटल इंडिया के अंदर जितने भी टैक्सियाँ चल रही हैं उनके बजाय उनके रिप्लेसमेंट में एयर टैक्सी आएगी, और आपने जहां पर जाना है आप एयर टैक्सी को कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए उसको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएगी और आपकी डेस्टिनेशन पर उड़ाकर आपको छोड़कर आएगी। मैं बहुत छोटी थी जब मैं देखती थी इंडिया ने ट्रैक्टर बनाया, इंडिया ने अपनी बाइक खुद बनाई, फिर एक गाड़ी इंडिया में चली, मुझे नाम तो उसका मॉडल नहीं पता लेकिन एग्जैक्टली, बट इंडिया ने अपनी गाड़ी खुद बनाई। अब मैं सोचती थी, मुझे लगता था कि शायद मेहरान पाकिस्तान में बनती है ना जब मैं छोटी थी, लेकिन अब आगे आइडिया हुआ कि हम तो एक छोटी से छोटी चीज चाइना से लेने के मुख्तार। एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर वन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं है ना, तो दे आर सुपर ब्रिलियंट यार। मैं विश करता हूँ मेरे ये जो वकास भाई खड़े थे अभी, ये इटली जा रहे हैं कुछ दिन बाद पीएचडी के लिए, तो मैंने कहा यार अगर मुझे इंडिया और इटली का चूज करना पड़े तो प्रोबेबली आई विल कंसीडर इंडिया। बहुत तेज हो रहा है। व्हाई व्हाई यू विल कंसीडर इंडिया? इंडिया हमसे बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब तो बात बहुत बढ़ गई है। इंडिया की तो अब कंपेयरिंग करे ही ना, मैं समझता हूं फजूल है। हम पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब तक लेके आ सकते, कितने साल लग जाएंगे? देखिए अभी तो आवाम को देख के तो लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है, कभी भी नहीं। आपको लगता है इंडिया कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं, चांद पे चला गया। अच्छा, आपको कैसे पता वो चांद पे चला गया? खबरों में सुना है हमने। अच्छा, कोई शक नहीं है, वो आगे जा रहे हैं, जाते रहेंगे, हम हमेशा पीछे हैं, पीछे ही रहेंगे। इस टाइम अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, एक ही टाइम के अंदर हमने सफर शुरू किया, हमने और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने, तो आज अगर हम बात करें तो सफर के दरमियान में देखते हुए डेवलपमेंट की तरफ कौन ज्यादा तरक्की कर रहा है एजुकेशन में? इंडिया, इसमें कोई शक है ही नहीं, इंडिया देख लें, हर डेवलपमेंट में देख लें, एजुकेशन में देख लें, स्पोर्ट में देख लें। मैं तो काफ़ी जगह में फिरा हूँ, देखा मैंने, जहाँ भी मैं गया मुझे गए नहीं, इंडिया नहीं गया, बाकी दूसरे मुल्कों में मैं गया हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी वो है लेबर टाइप है, और जो जितने भी इंडियन है, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, हर अच्छी जॉब पे, हर अच्छी पढ़ी लिखा जो आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ, वो पाकिस्तानी जो बेचारे लेबर काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेबर में काम चल रहे हैं। इंडिया की तो आप कंपेयरिंग करें ही ना, मैं समझता हूँ फजूल है। सही पकड़े हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि 2026 तक हम एयर टैक्सी को लॉन्च करने जा रहे हैं। एयर टैक्सी ये है कि आप टैक्सी को बुलाएंगे, वो हवा के उड़ाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। आप एजुकेटेड है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको पता है ऑलरेडी इस चीज के बारे में। तो क्या कहेंगे, हमारे मुल्क में तो एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, इंडिया के अंदर एयर टैक्सी है, कैसे बात कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर कैसे जा सकते हैं ऐसे? फिर बात वही है कि वो उन पर हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो अपने वो जो हमेशा जो गवर्नमेंट आती है इंडिया की, वो अपने मुखलिस से, अपनी कौम से, वो उधर करप्शन नहीं है, है करप्शन, लेकिन जितनी करप्शन इधर है ना उधर है, पकड़ते हैं, वो उधर करप्शन नहीं है, तो बहुत बुरा हाल, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर वन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। यही मेरा मेन मकसद था ना कि हमारा फोकस ये इस साइड पे नहीं है, एजुकेशन की तरफ नहीं है। अभी इंडिया की आपने बात की, मैं उसी की आपको न्यूज बताता हूँ कि वहां पे पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनी, फिर इलेक्ट्रिक कार बनी, फिर मर्सिडीज बेंज जो तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती, अब वो इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने जा रहे हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं, उसका जो डिजाइन है अब वो 2024 तक बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसको? अच्छी बात है, और इस पे काम होना चाहिए। अगर एक इंसान, अगर एक नेशन जो है वो काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उनको टारगेट करें वहां पे रख के जहां पे हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करने के साथ हमें सीखना चाहिए। देखिए मैंने भी तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने भी लेके जाना है। हमने लेके जाना, बेसिकली यहां पे किसी एलन मस्क ने आके नहीं लेके जाना, हमने लेके जाना, मैंने लेके जाना, आपने लेके जाना है। आप यकीन माने इंडियंस के साथ हमने काम किया, हम करते हैं उनके साथ, मेरे कलीग्स हैं इंडिया में ना, तो दे आर सुपर ब्रिलियंट यार। मैं विश करता हूँ मेरे ये जो वकास भाई खड़े थे अभी, ये इटली जा रहे हैं कुछ दिन बाद पीएचडी के लिए, तो मैंने कहा यार अगर मुझे इंडिया और इटली का चूज करना पड़े तो प्रोबेबली आई विल कंसीडर इंडिया। व्हाई व्हाई यू विल कंसीडर इंडिया? इंडिया इज बेसिकली, देखें वहाँ पे IIT उनका एक इदारा, बेसिकली उनके डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हब है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, और वो बेसिकली ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जो रिगार्ड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सिस्टम उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, और हम किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट सारी पुठे पुठे कामों में, कभी हमारे पीएम साहब का बयानिया आता है पोल्ट्री फार्म खोल लें, अब ये जो नए आए अफगानियों को निकाल रहे हैं, पता नहीं यार ये हो क्या।